हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी 2M चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम लेके आ चुके हैं पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024। जी हाँ, ये स्कीम जो है एक या दो दिन पहले ही लॉन्च हुआ है प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के नाम से। यहाँ पे कौन कौन से छात्र जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर मैं बात बताऊँ, अगर आप क्लास 10वीं पास कर चुके हैं, 11वीं पढ़ रहे हैं, 12वीं पढ़ रहे हैं, यूजी का कोई कोर्स कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम या पीजी का कोई कोर्स कर रहे हैं, आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए इस योजना के तहत आपको सरकार आपको 5,000 रुपये घर बैठे बैठे आपको देगी। 5,000 रुपये आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे, आप जो भी कंपनीज इसके तहत रजिस्टर होगी पीएम इंटर्नशिप स्कीम के तहत, जो भी आप फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी क्वालिफिकेशंस है उस फील्ड में, आप यहाँ पे इंटर्नशिप को चुनेंगे, इंटर्नशिप के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, भारत सरकार द्वारा इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इंटर्नशिप प्रोवाइड होने पर आपको 12 महीने के इंटर्नशिप करना होगा, जिसके तहत आपको 5,000 रुपये प्रति महीना आपको इंटर्नशिप के रूप में सरकार आपको आपके बैंक खाते में देने वाली है। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट इसका डिटेल जानेंगे, इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से कोर्सेज वाले अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल वाइज सारी चीजों को जानने वाले हैं जो भी स्कीम के तहत है। अगर आप वीडियो पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इंटर्नशिप है, जैसा कि आप नाम समझ पा रहे हो, जिसमें आपको अपने फील्ड के तहत आप अपनी इंटर्नशिप को चूज कर सकते हो, उसमें प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस आप ले सकते हो, आगे जाकर अगर आप फ्यूचर में जॉब करते हो तो उसका एक्सपीरियंस आपका लग जाएगा और आपको उसकी नॉलेज हो जाएगी। किताबी ज्ञान तो बहुत जरूरी है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल वर्क एक्सपोजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे प्रधानमंत्री द्वारा दिया जा रहा है पीएम इंटर्नशिप के तहत। तो हम इसको जानेंगे। सबसे पहले गूगल क्रोम पे आएंगे, सिंपली आपको लिखना क्या है, scholarshipworld.com, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। सिंपली लिख के सर्च करना है, पहले साइट है, उस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे, इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा, आपके सामने आ जाएगा लॉन्च्ड पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024, अप्लाई ऑनलाइन, 5,000 रुपये पर मंथ, 10वीं पास स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिंपली इस पोस्ट को ओपन कर लेंगे। मैंने इस पोस्ट को ओपन कर लिया है, यहाँ पे सिंपली स्क्रॉल करेंगे, टेलीग्राम इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे लिंक दे रखा है। नीचे सिंपली स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव लिखे गए हैं, क्या क्या उद्देश्य है सरकार का, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव में एक इम्पॉर्टेंट है, सरकार जो है 500 MNCs को रजिस्टर करने वाली है इस पोर्टल के तहत, 500 MNCs। वो MNCs क्या क्या है, कौन कौन सी कंपनीज है जो आपकी फेवरेट में आती है, उसकी लिस्ट अभी मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को बस कंप्लीट देख रहे हैं। और सरकार का गोल है कि 5 साल तक 1 करोड़ स्टूडेंट को इंटर्नशिप यहां पे मिल जाएगी। 5 साल तक 1 करोड़ स्टूडेंट्स, जो युवा है, जो पढ़ लिख रहे हैं, जिनको जॉब नहीं मिल पा रही, उनको इंटर्नशिप मिल जाएगी। उसके आधार पर वो जब जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा, वर्क एक्सपीरियंस भी होगा और उनको नॉलेज भी होगी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की। वो फ्रेशर नहीं कहलाए जाएंगे तो उनको जॉब इजिली मिल जाएगी, इसका तहत ये है। अब यहाँ पे बात करता हूं, जरा हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखो पीएम इंटर्नशिप स्कीम 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गाइडलाइंस, यहाँ पे एक लिंक दे रखा पीएम इंटर्नशिप mc.gov.in, सिंपली इस पे लिंक पे क्लिक कर लेंगे। इस लिंक पे जैसे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल नोटिस यहाँ पे आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं इसको जूम कर देता हूँ। न्यू दिल्ली की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है यहाँ पे, इसमें क्या क्या है मैं आपको मुख्य तौर पे बता देता हूँ। 500 कंपनी रजिस्टर्ड होगी 2024-25 में, जैसे कि मैंने आपको बताया 12 मंथ का ये प्रोग्राम रहने वाला है। इंटर्नशिप का ड्यूरेशन जो है 12 मंथ का यहाँ पे रहने वाला है। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपकी जो एज है वो 21 साल से 24 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अगर आपकी एज 21 साल तक है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो इंटर्नशिप प्रोग्राम को। उसके बाद यहाँ पे हु आर नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं पहले से तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। उन्हीं के लिए है जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चा आज तक अभी जॉब नहीं किए हैं पढ़ाई के अलावा, वो इंटर्नशिप का लाभ यहाँ पे उठा सकते हो घर बैठे बैठे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आता है, कौन कौन से क्वालिफिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट हु है पास्ड हाई स्कूल, जैसे कि मैं बताया क्लास 10th, क्लास 12th हायर सेकेंडरी स्कूल, और बोला कि अगर आप ITI वगैरह भी कर रहे हो या डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो या पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट से कर रहे हो,
ग्रेजुएट विथ डिग्री सच बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, फार्मा, ईटीसी, अगर आप इन डिग्री से परस्यू कर रहे हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या जिसमें भी हो, क्लास 12 के बाद हो, 10th के बाद हो, यहाँ पे आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। अब इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन छात्र अप्लाई नहीं कर सकता है, अगर आप यहाँ पे आईआईटी से अप्लाई कर रहे हो या आईएम से कर रहे हो, सीए, सीएस, सीए में, एमबीबीएस, बीडीएस, ये छात्र जो है अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हो तो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना, आपकी जो कैंडिडेट की जो इनकम है, फाइनेंशियल जो फैमिली इनकम है वो 8 लाख से अगर कम है तो ही वो अप्लाई कर सकता है। फैमिली इनकम 8 लाख से कम है तो अप्लाई कर सकता है, फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा होने पर वो अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। चलो ये तो हो गई बात, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या सारी चीजें लगेगी। तो देख लीजिए यहाँ पे, फैमिली मीन्स सेल्फ पेरेंट स्पाउस, जो आपका फैमिली का मीन्स यहाँ पे पूरा समझा रखा है, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हो। अब मैं आप एक बात बताता हूँ, इसमें आपको जो अमाउंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे स्टार्टिंग में, कि आपको जो अमाउंट है वो आपको बेनिफिट के रूप में आपको 5,000 रुपए की जो है यहाँ पे मंथली स्टाइपेंड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पे दी जाएगी, जैसा कि यहाँ पे कंप्लीट जो आर्टिकल में लिखा है और लिंक में आपको दे दिया है, यहाँ पे आके यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज आप बात करते हैं सर कौन कौन सी कंपनी इसके अंदर लिस्टेड है, जो हमारी फेवरेट कंपनीज में आती है, एमएनसीज में आती है, इसका वर्क एक्सपीरियंस अगर काउंट होगा, इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, तो ये लिस्ट यहाँ पे देख सकते हो, लिस्ट है। सिंपली लिस्ट को यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे, डाउनलोड पे जैसे मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ, अगर देखते हैं तो सबसे पहले रिलायंस का नाम आता है, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा लिमिटेड, एचडीएफसी, आईटीसी, और आपका इंडियन ऑयल, आईसीआईसीआई बैंक, विप्रो, महिंद्रा, रिलायंस, जेएसडब्ल्यू, तो मतलब तमाम यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो है यहाँ पे लिस्टेड है, जैसे कि आप देख रहे हो, मैं नाम भी नहीं पढ़ सकते, बड़ी बड़ी लिस्ट है। तो इन सब कंपनीज के अंदर आप यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका मिल सकता है, जो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे डाउनलोड करके इस लिस्ट को देख सकते हो, आप गाइडलाइंस को पढ़ सकते हो और डीपली तरीके से अपने फ्रेंड में शेयर कर सकते हो, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अब बात करते हैं सर अप्लाई कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे लिंक दे रखा है, यहाँ पे स्टेप्स दे रखे हैं क्या क्या आपको करना है, तो सिंपली इस लिंक पे सिंपली आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पीएम इंटर्नशिप योजना की, उस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप यहाँ पे सिंपली रिडायरेक्ट हो जाओगे। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे गाइडेंस भी दे रखी है कि आपको यहाँ पे 5,000 रुपए की इंटर्नशिप दी जाएगी पर महीने के हिसाब से, और कौन कौन से फील्ड्स है जो आप यहाँ पे चूज सकते हो, कि आपके कोर्स ऑफ बैंकिंग है, टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल है, जिसमें भी आप चाहते हो उसमें भी आपको मिल जाएगी इंटर्नशिप, जिस भी फील्ड के लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है। चाहे आप कॉमर्स से हो, चाहे आप साइंस से हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, चाहे यहाँ पे आईआईटी वगैरह, जिससे भी आप टेक्निकल नॉन टेक्निकल पोर्शन से हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पे आपको आपको क्या करना है, लॉग इन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। लॉग इन अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आएंगे तो आपसे यहाँ पे आपको मांगा जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, लॉग इन योर यूजर मोबाइल नंबर, ठीक है।